हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी है फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा तो इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तमिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेफ द्वारा निर्देशित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोडन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफील गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहाँ पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तली कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउम नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दीना थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी आजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा दो हज़ार चौदह में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्दर्शन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नगापुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध तथा इनके अच्छे एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहना मिला गया तथा इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अभी आभ, सरम नाम से भी जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है अभी। बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद सब अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाड़ून द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ऑडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म टूरिस टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगुतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरा स्वामी द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म इयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर 2016 में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर 1976 को भारतीय अभिनेता और तमिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंगना हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कन्नाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंगयाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस एम सी द्वारा लोयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का आवाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लोयला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म ओमगा पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को तुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थाई आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजिहन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने अथित के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल पेरिगोज द्वारा कदाजीरिक द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ सुंदर ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद सिस्टलैटिक घटना को बताया गया जिसमें अपनी समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्रीनाथ द्वारा बताया जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवंजो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तामिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने अडियाचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपने दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और परिणाम स्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्कालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद सर्वन ने चेन्नई चले गए और आडियाचरम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्देशन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवर ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी कर दो हिलालो द्वारा सेथल थॉम्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और धंधा द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई है आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहाँ पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिवन द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के दौरान हासिल व रेडियोज डॉट कॉम को आलोचना द्वारा सर्वण को उत्कृष्ट और लंबे घाटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस <SST> एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वण सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हिस्सा बनने के अवसर को भी शामिल करते हैं वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविज़न शो के बिग बॉस में तमिल में तीन पर पर एक टेलीविज़न शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहां पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी वी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्वा कला और कनाडी माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुगर द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा तो इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाई द्वारा उनकी जनन द्वारा वल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आई के द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने में से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंधन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंधन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास अल्लुगन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस में चेन्नई में आया जहाँ पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहाँ पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अच्छे रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा तो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ ला अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा इनके द्वारा कादर भारतीय दूस श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित के और उसे कमल हास की अभिनेता को विजयाज ड्रामा विडूर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते और सुकुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था और सुकुमार ने 2012 के अंत में थुहार द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ पर सम्वेद साधु बोमन द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लिमा को बॉबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज माट एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दी वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहां पर इन्होंने जौन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर दो में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहाँ पर मोटू के आरोप में तहत विजया जोन को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को पाँच जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थि सरवद के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवण जो जन्म सलीमान परिवार में हुआ इनके सरवज ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवा चंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती है और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनके अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसे समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिव शारविन को कार्ती द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपनी वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को तरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्म एयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को पार्थी वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर वेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बनने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते और सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे तेईस जून 2019 को स्टार विजिया के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा तो इसके साथ काफी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तमिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेफ द्वारा निर्देशित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोडन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफील गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तली कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउम नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दिन थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी अजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा 2014 में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्देशन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नगापुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और आ, कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अबी शर्म नाम से भी ये जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है अब बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पैगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ऑडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म ट्यूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं, जहां पर 2015 में नवगतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरा स्वामिक द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म इयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर 1976 को भारतीय अभिनेता और फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंगना हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कन्नाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंगयाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस द्वारा लोयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का वाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लॉयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म और की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को तुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थाई आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजिहन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने अथित के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल पेरिगोज द्वारा कदाजी द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ सुंदर ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद सिस्टलोमैटिक घटना को बताया गया जिसमें अपनी समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्री राम द्वारा बताया जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक साक्षरता कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवंजो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तामिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने अडियाचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और शिवा शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद ने चेन्नई चले गए और आड्याच्रम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवर ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी करने और दो हिलालों द्वारा सेथल एथन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते प्रचार धंधा द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिव द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा हासिल हुआ रेडियो डॉट कॉम को आलोचना द्वारा सर्वन को उत्कृष्ट और लंबे घटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में प्रनोनित वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हिस्सा बनने के अवसर को भी शामिल करते हुए पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविजन शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविजन शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहां पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी रियलिटी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्वा कला और माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुगार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा तो इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाइव द्वारा उनकी जनन द्वारा बल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आइम के के तारा द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने उन्होंने में से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंदन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंदन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री है निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास आलुहन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस सौ संतानवे में चेन्नई में आया जहां पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहां पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अच्छी रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी भी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा इनके द्वारा का दर भारतीय दूर श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास्य की अभिनेता को विजियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था और सुकुमार ने 2012 के अंत ने थुआर के अंत में द्वारा निर्माण साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर संवेव साधु बोम द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बॉबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो द्वारा जारी कर दी वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहाँ पर इन्होंने जोन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2018 में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में तहत विजया जो को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को 5 जनवरी दो चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थि सरवन के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थि सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवन ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिवचंद्र चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन तो तो पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए, जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला गान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिव सारविन को कार्ती द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपने वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को तरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को पार्थी वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर वेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बनने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे जो ने 2019 को के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी है फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तामिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेब द्वारा निर्दर्शित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजया द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोडन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डलान की जो विजय विश्वास और नफिल गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउन नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहां पर थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी अजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व ऑटा द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा 2014 में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्दर्शन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नागापुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्व पात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अबी सरम नाम से भी जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है अब बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद सब अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अबी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ओडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट की फिल्मों को सरवंत पैरासामिक द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म ईयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर उन्नीस तो को भारतीय अभिनेता और तमिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंग हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कनाडा और तमिल में देखे गए जहां पर उर्वा पोक द्वारा थिंगयाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस द्वारा लॉयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का वाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लॉयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म और पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमकार पो द्वारा उनके चित्रण को तुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थायी आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने अथित के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल पेरिगोज द्वारा कदाजीरिक द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ सुंदर ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद सिस्लोमैटिक घटना को बताया गया जिसमें अपी समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते दें हालांकि श्रीनाथ द्वारा बताया जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवनजो जो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सालेम के तामिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म की सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और परिणामस्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद ने चेन्नई चले गए और आड्याच्रम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरव ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी करने दो हिलालों द्वारा सेथल एथोन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते प्रचार धंधा द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिव द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा हासिल हुआ रेडियो डॉट को आलोचना द्वारा सर्वन को उत्कृष्ट और लंबे घटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वण सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में प्रनोनित और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो अमित बनने के अवसर को भी शामिल करते हुए पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविजन शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविजन शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहां पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी वी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्वा कला और कनाडिक के माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व necessary... के बारे में मधुगार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपने श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाई द्वारा उनकी जनन द्वारा बल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आइम एक्सल के नए तारा द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने 20 में से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दिए वहीं पर कंदन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंदन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री है निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास आलुहन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस सौ संतानवे में चेन्नई में आया जहां पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहां पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अच्छे रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी भी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ ला अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा तो इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग दिया गया था तथा तो इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा तो इनके द्वारा का भारतीय दूस श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास की अभिनेता को विजियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था और सुकुमार ने 2012 के अंत में द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यापारी ग्रुप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर समवेव साधु वमन द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा कोबोबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई समीक्षाओं को द न्यूज एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दी वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहाँ पर इन्होंने जोन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2018 में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में तहत विजया जो को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को 5 जनवरी दो 24 को रिलीज कर दिया गया और पार्थिव सरवन के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवन ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवा द्वारा उनकी तत्वकालीन तो तो पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए, जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में शरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिवी सारविन को कार्ति द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपनी वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को तरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को पार्थी वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर वेल्टिया बायोपिक ने वीपियान ईरान का हिस्सा बने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर और सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे तेईस जून 2019 को स्टार विजिया के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तमिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेफ द्वारा निर्देशित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोर्डन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफिल गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउन नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दीना थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी आजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा दो हज़ार चौदह में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी दो में नवगुतिया निर्देशन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ पुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा तो इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अबी सरम नाम से भी जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद सब अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ऑडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे की की और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म टूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरासामिक द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म ईयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर उन्नीस को भारतीय अभिनेता और फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में उगुना हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगु हिंदी कन्नाडा और तमिल में देखे गए जहां पर उरुगा पोक द्वारा थिंगयाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस एम सी द्वारा लोयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का वाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लोयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म और पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को थुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थायी आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखी गए जहां पर जॉन विजन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने अथित के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल कादाजीरिक द्वारा का द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्र फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद सिस्टमोमैटिक घटना को बताया गया जिसमें अपनी समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्रीनाथ द्वारा बताया आ जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवंजो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तामिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल... महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपने दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाष चंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और परिणामस्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद सर्वन चेन्नई चले गए और आड्याच्रम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवन ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी कर दो हिलालों द्वारा सेथल एथोन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते आनंदन द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिवंदारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा ने हासिल और रेडिओस.कॉम को आलोचकों द्वारा सर्वंकु उत्कृष्ट और लंबे घटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वण सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में प्रनोनित और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो सब बनने के अवसर को भी शामिल करते हैं वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविज़न शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविज़न शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहाँ पर युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी रियलिटी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उ कला और कनाडी के माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुगार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपने श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाइ द्वारा उनकी जनन द्वारा वल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आईम एक्सल के तारा द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने उन्होंने में से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंदन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंदन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री है निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा तो इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास अल्लुहन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस सौ संतानवे में चेन्नई में आया जहां पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहां पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अच्छे रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ ला कर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहत थी तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा तो इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा तो इनके द्वारा का भारतीय दूस श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास की अभिनेता को विजियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहां पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था और सुकुमार ने 2012 के अंत में थुआर द्वारा द्वार निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ, साथ से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर संवेव साधु बोमान द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बोबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज मिराठ एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दिए वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहां पर इन्होंने जॉन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर दो में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में विजया जोन को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को 5 जनवरी 2000 24 को रिलीज़ कर दिया गया और पार्थिव सरवन के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवन ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उससे अपने परिणाम स्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन तो पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए, जहाँ पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा तो द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला नागान को नकारात्मक ना भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने आमिर सुल्तानम की पार्थि सरविन को कार्ति द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपनी वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को तरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को पार्थी वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर बेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर और सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे तेईस जून 2019 को स्टार विजिया के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी है फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा तो इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तामिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेफ द्वारा निर्देशित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ़ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोडन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफिल गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउन नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दीना थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी आजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा दो हज़ार चौदह में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी दो में नवगुतिया निर्देशन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नागापुटी द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और आ, कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा तो इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अभी सरम नाम से भी जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद सब अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ऑडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म ट्यूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरासामिक द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म ईयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सर्वंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर उन्नीस तो को भारतीय अभिनेता तमिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में होना हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगु हिंदी कन्नाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंग्याल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस एम सी द्वारा लॉयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का वाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लोयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म ओमंग पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को थुकआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थायी आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने थित्व के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तामिल द्वारा द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्र फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहां पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ सुंदर ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद घटना को बताया गया जिसमें समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्री द्वारा बताया या जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक साक्षरताकार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवन जो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलेम के तमिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल... महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपने दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के शीट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और परिणामस्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद सर्वन ने चेन्नई चले गए और आड्याच्रम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरव ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी करने और दो हिलालों द्वारा सेथल्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते हैं एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिवन द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के दौरान हासिल व रेडियो डॉट कॉम को आलोचना द्वारा सरवल को उत्कृष्ट और लंबे घाटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस <SST> एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में प्रनोनित और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हिस्सा बनने के अवसर को भी शामिल करते हैं वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविज़न शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविज़न शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहाँ पर युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी रियलिटी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उ कला और कनाडी के माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुगार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा तो इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैतल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाई द्वारा उनकी जनन द्वारा बल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने के द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने उन्होंने में से अधिक से छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंधन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंधन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास आलुगन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिलेख करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस में चेन्नई में आया जहाँ पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहाँ पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा इनके साथ अच्छी रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ ला कर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा तो इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा इनके द्वारा कादर भारतीय दूर श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म श्रीर्षक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास की अभिनेता को विजया ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते और सुकुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था और सुकुमार ने 2012 के अंत में थुआर द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ पर सम्वेद साधु बोमौन द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बॉबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज मिराठ एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दिए वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहां पर इन्होंने जोन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर दो में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहाँ पर मोटू के आरोप में तहत विजया जोन को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को पाँच जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थिव शर्वद के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवण जो जन्म सलीमान परिवार में हुआ इनके सरवज ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवा चंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती है और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया मूवी उससे भी ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहां पर 2001 में सरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिवी सरविन को कार्ति द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपने वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को सरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सर्वन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्म मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को पार्थिव वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर वेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बनने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर सर्वत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे तेईस जून 2019 को स्टार विजय के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी ये फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तमिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के जोसेफ द्वारा निर्देशित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ़ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोर्डन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डलान की जो विजय विश्वास और नफिल गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का टेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउम नाउ द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दीना थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी आजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा दो हज़ार चौदह में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्दर्शन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नागापुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्व पात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अबी शर्म नाम से भी ये जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ऑडियन दिया था जहां पर अपने दुल्हन की तलाश कर रहे की की और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म ट्यूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगुतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरा स्वामी द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म ईयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर 1976 को भारतीय अभिनेता और तमिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंग हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कनाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंग्याल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस एम सी द्वारा लोयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लॉयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म और पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को थुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थाई आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल का द्वारा द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद घटना को बताया गया जिसमें समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्रीनाथ द्वारा बताया जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन शरण द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवन जो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तामिल परिवार में हुआ वह पाँच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी माँ एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म की सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और परिणामस्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद सर्वन ने चेन्नई चले गए और आड्याच्रम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवन ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी कर हर दो हिलालों द्वारा सेथल एथोन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाटों द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते हैं नंदा द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिवंदारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा ने हासिल और रेडिओस.कॉम को आलोचकों द्वारा सर्वंकु उत्कृष्ट और लंबे घाटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस <SST> एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वन सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हिस्सा बनने के अवसर को भी शामिल करते वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियाल्टी टेलीविज़न शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविज़न शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहां पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तो तमिल भाषा फिल्म के टीवी रियलिटी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्या कला कनाडी के माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुगार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैतल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छे रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाइव द्वारा उनकी जनन द्वारा वल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता और उन्होंने आई के द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने बीसवें से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंधन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंधन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास अल्लुगन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस में चेन्नई में आया जहाँ पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहाँ पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अच्छे रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा तो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा तो इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा तो इनके द्वारा कादर भारतीय दूर श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित के और उसे कमल हास की अभिनेता को विजियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम एस द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहां पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था अर्शु कुमार ने 2012 के अंत में थुआर द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर संवेव साधु बोमान द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बॉबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज़ मक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दिए वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहाँ पर इन्होंने जॉन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2018 में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में तहत विजया जोन को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को पाँच जनवरी दो हजार चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थिव शर्वद के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवज ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवा चंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन योजना सफल रहती है और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुका द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थार इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज़्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिवी सरवीण को कार्ती द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपनी वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को सरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज़ द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को भारतीय वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को को प्रस्ताव लाया गया जहां पर बायोपिक ईरान का हिस्सा बने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते और सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे 2019 को के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पॉन्स के साथ तमिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के द्वारा निर्दर्शित कर दिया वहीं पर विजय विश्वास को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्दर्शन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जॉन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोर्डन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफिल गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वर्न सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का ट्रेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउम नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दिनाथांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी अजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत व अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा 2014 में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दूरिक द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्देशन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ नगापुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और आ, कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा तो इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अभी सरम नाम से भी जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है अब बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद सब अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने शुक्रवार की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पैगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ओडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म ट्यूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगुतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरा शामिक द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म ईयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर दो में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म 20 नवंबर 1976 को भारतीय अभिनेता और तामिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंग हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कन्नाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंगयाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस एम सी द्वारा लोयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफ एफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच ओ टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का आवाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुश ऑफ गायत्री को जो लोयला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म ओमगा पो की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को तुकुआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थाई आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजिहन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त के की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल का द्वारा द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्र फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारावाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ ने मीटू के आरोप के तहत जॉन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद घटना को बताया गया जिसमें समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्री द्वारा बताए जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवण जो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तमिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत्नी जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिभाष चंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और शिवा शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद ने चेन्नई चले गए और आड्याचरम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवर ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी कर करने हर दो हिलालो द्वारा सेथल एथोन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते आनंदन द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा ने हासिल और रेडिओस.कॉम को आलोचना द्वारा सर्वंत को उत्कृष्ट और लंबे घाटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वण सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में अपनोनित और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो बनने के अवसर को भी शामिल करते वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविजन शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविजन शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहाँ पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तो तमिल भाषा फिल्म के टीवी रियलिटी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्वा कला और कनाडी के माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथुल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुवार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा तो इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाइव द्वारा उनकी जनन द्वारा वल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आईम के के तारा द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने उन्होंने में से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंदन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंदन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री है निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और माधुरी के पास अल्लुगन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते और इसके साथ उन्नीस सौ में चेन्नई में आया जहां पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहां पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ रेटिंग रेटिंगों द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफी ज्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ जारी कर देते हैं तथा तो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ ला कर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा तो इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग दिया गया था तथा इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा इनके द्वारा कादर भारतीय दूर श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म श्रीषक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास की अभिनेता को जियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ पर परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था अर्शु कुमार ने दो के अंत में थुआर द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्देशित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप रिलीज थी जो इनके साथ से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर संवेव साधु बोमोन द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बोबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज मराठा एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दिए वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहाँ पर इन्होंने जोन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2018 में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में तहत विजय जो को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मोह को 5 जनवरी दो चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थिव सरवन के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवन ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उससे अपने परिणाम स्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए, जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, लेकिन योजना सफल रहती और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुका द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनकी अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने आमिर सुल्तानम की पार्थिवी सौरवीन को कार्ति द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपने वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को तरवन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर बेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर और सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे जो ने 2019 को के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुभारी ये फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी तमिल भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी किया गया तथा इसके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा इसके अच्छे रिस्पांस के साथ तामिल कॉमेडियन ड्रामा को दोस्ती फिल्म जो रॉयल इंटरप्राइजेस के बैनर तले कुमार द्वारा निर्मित किया और के के द्वारा निर्दर्शित कर दिया वहीं पर विजय श को महानी सजीव द्वारा मुख्य भूमिका में है वहीं पर बात करें तो इसका निर्देशन केविन जोसेफ और इसका लेखक भी केविन जोसेफ है वहीं पर इसका उत्पादन की बात करें कुमार दास और अभिनेता विजय विश्वास और अनिफ गेना है वहीं पर महान सजीव के साथ दिखी गई और जोन विजयाग द्वारा आयोजित कर दिया वहीं पर छायाकान की बात करें तो प्रसाद अरुण गुम है वहीं पर संपादक टीएनसी जया और संगीत को टीएनसी जया द्वारा दिया गया और इसका संगीत जया प्रकाश द्वारा और जोडन द्वारा आयोजित कर दी मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और इनके साथ पृथ्वीराज द्वारा जोड़ा गया वहीं पर इसका उत्पादन कंपनी रॉयल इंटरप्राइजेस रही और इसका वितरण नौवीं स्टूडियो के साथ रिलीज कर दिया इस मूवी को 9 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया और यह भारत में तमिल भाषा के साथ लॉन्च कर दिया वहीं पर बात करें तो डल्लान की जो विजय विश्वास और नफील गेमा और महारानी सजीव और जॉन विजिया है वहीं पर पृथ्वीव सवर द्वारा देखी गई जहां पर इनके साथ निर्माण कर दिया फिल्म का निर्माण रॉयल इंटरप्राइजेस द्वारा बैनर तले कुमार दास द्वारा किया गया जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक के साथ अरुण गुम द्वारा लाई गई थी जबकि संपादक टीजर द्वारा जारी कर दिया फिल्म का ट्रेलर 16 अगस्त 2023 को जारी किया तथा टाउन नाव द्वारा समीक्षाओं बलों द्वारा जारी श्रृंखलाओं को फिल्म न केवल कलाकारों के दलालों के साथ मानवीय रूप से भावनाओं की एक मार्मिक खोज करती है जहाँ पर दीना थांगी द्वारा आलोचनाओं द्वारा सकारात्मक समीक्षा रही मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था वहीं पर विजय विश्वास जो इनकी आजीविका इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करने के बाद अब भी सरबम द्वारा अभिनेता बनना चाहते थे फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने के साथ शुरुआत वह अटाकलिक द्वारा देखी गई और सहायक भूमिका में एस एस कुमार द्वारा केरल के नतीम पेगा लुडेन द्वारा दो हज़ार चौदह में मुख्य भूमिकाओं की सफलता को ऑडियो दिया गया अपनी फिल्म की दुल्हन की तलाश कर रहे युवा की भूमिकाओं को उसकी और आकर्षित किया और दूसरी फिल्म द्वारा दुरी द्वारा टांचिक द्वारा जारी कर दिया वहीं पर युवा संस्करण के साथ बताए गए और सहायक भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी 2015 में नवगुतिया निर्दर्शन द्वारा देखे गए थे और मदद के साथ पुटिक द्वारा जिले के साथ 2019 में प्रभावित कर दिया गया था वहीं पर इनके साथ जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया वहीं पर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस भी दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी जिसके साथ देखे गए और आ, कुंभारी मूवी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए वहीं पर मुख्य निर्देशन की बात करें तो विशाल विश्व पात्र हैं बताया जाता है कि विशाल विश्वपात्र जो बहुत ही बेहतरीन एक जाने माने अभिनेता है यह तमिल हिंदी फिल्म से लेकर कई मूवी में अपनी श्रृंखलाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा इनके अच्छे एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला गया तथा तो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके रूपों और श्रृंखलाओं के साथ जारी कर दिया गया तथा तो इनके दृश्यों के बारे में बताया गया वहीं पर विजय अबी सरम नाम से भी ये जाने जाते हैं जो भारतीय फिल्म अभिनेता की एक जाने माने सितारा है अब बात करें तो इनकी डिग्री इंजीनियरिंग में पूरी करने के बाद अभी ने सरवन को अभिनेता बनना चाहते थे जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश करने लगे अभी ने की सहायता से भूमिका और उनके एस द्वारा कुमार के साथ फिल्म को केरल व नर्तिक पेगाडोन द्वारा मुख्य भूमिकाओं की सफलतापूर्वक ओडियन दिया था जहां पर अपनी दुल्हन की तलाश कर रहे और युवा की भूमिकाओं की ओर निभाए गए उनकी दूसरी फिल्म ट्यूरिस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने एस चंद्रशेखर द्वारा युवा संस्करण के साथ सहायक भूमिकाओं की ओर से जारी करते हैं जहां पर 2015 में नवगुतिया को जया द्वारा निर्देशित प्लास या मानसिक शीर्षक वाले छोटे बजट के फिल्मों को सरवंत पैरा स्वामी द्वारा आधा और को दिक्कत की हॉरर फिल्म इयान द्वारा देखी गई तथा तो इन्होंने अपने मदद के साथ अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा नवंबर 2016 में अब गाजी चक्रवर्ती के साथ देखे गए सरवंत ने दो में नाम बदलकर रख लिया वहीं पर बात करें तो इनके साथ देखे गए वहीं पर मूवी में डलनान के रूप में जोनी विजिया है बताया जाता है कि जोनी विजिया जो एक जाने माने अभिनेता है इनका जन्म बीस नवंबर 1976 तो को भारतीय अभिनेता और तमिल फिल्म के सहायक भूमिका के रूप में अंगना हुआ उन्होंने कुछ ही मलयालम तेलुगू हिंदी कनाडा और तमिल में देखे गए जहां पर ओरुगा पोक द्वारा थिंगियाल द्वारा जारी कर दिया मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और जॉन विजिया ने एस द्वारा लॉयल्स कॉलेज में चेन्नई के विजुअल कम्युनिकेशनल द्वारा वीडियो जारी कर दिया रेडियो वन एफएफ द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के निषेध के रूप में काम करते रहे जहां पर जोनिक विज्ञापन एजेंसी द्वारा एच टू के प्रमुख जिसका कार्यक्रम नुक्का वाम द्वारा देखी गई वहीं पर पुष ऑफ गायत्री को जो लोयला कॉलेज में विजुअल ने कम्युनिकेशनल कोर्स को उनके जूनियर थे वहीं पर उन्होंने आपके निर्देशन की पहली फिल्म और की भूमिका पेशकश की और फिल्म ने सन ऑफ द गम के रूप में प्रदर्शन के साथ आलोचनों द्वारा दृश्यों को चोरी करने वाले की उसकी हरकतें घर को ध्वस्त कर देगा वह बताया गया और उनकी पहली फिल्म ओमगार पो द्वारा उनके चित्रण को थुकआंड द्वारा ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें चेन्नई के साथ आना था और उनके साथ अस्थाई आधार पर चेन्नई के लिए रहना था जाहिर तौर पर उन्होंने फिल्म ओमगार पोके द्वारा मद्रास तमिल द्वारा सीखे गए जहां पर जॉन विजयन ने जोर देकर कहा कि रावण को 2010 में मनिक रतन द्वारा कास्टिंग कर दिया गया इसके साथ ही बड़े पैमाने के हाई प्रोफाइल अभिनेता के साथ अभिनेता करना और उनका डर गायब हो गया मोनगा गुरु ने अथित के साथ दूसरे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और उनके साथ 2016 में रजनीकांत के दोस्त की भूमिका की ओर से देखा गया उन्होंने तमिल पेरिगोज द्वारा कदाजीरिक द्वारा जारी कर दिया था वहीं पर अभिनेत्री कार्यक्रम द्वारा बताए गए पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म एयर पुरस्कार मिला और इनके धारवाहिकों के दौरान देखी गई जहाँ पर अक्टूबर दो में गायब श्रीनाथ ंदर ने मीटू के आरोप के तहत जौन के साथ विजय पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया 2014 में आधी रात के दौरान श्री रजनीत के विजय को फोन आने के बाद सिस्टलमैटिक घटना को बताया गया जिसमें अपनी समीक्षाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर फोन करके सेक्स के आरोप पर लगा दिया गया जिसे कथित तौर पर विजय ने श्री रजनीत को बातचीत करते हालांकि श्रीनाथ द्वारा बताया जाता है अगले दिन कॉलेज वापस में घटनाओं को तब से सामने आया जब इन दोनों को इस जिम्मेवार पूर्वक कार के साथ देखी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं को पार्थिवन सरन द्वारा देखा गया बताया जाता है कि सरवन जो भारतीय अभिनेत्री में तमिल भाषा फिल्म में दिखाई दी और उन्होंने वेदिया थॉम्स द्वारा इसके माध्यम से अभिनय की शुरुआत करते हैं जो फिल्मों की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते वहीं पर बात करें तो सरवन का जन्म सलीम के तामिल परिवार में हुआ वह पांच बच्चों में दूसरे थे जिनके साथ उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनना था और उनकी मां एक स्टाफ नर्स थी सरवन सरकारी कल महाविद्यालय में सेलम से तमिल सहायता कला को स्थानांतरण की डिग्री ली सरवन की दो बार शादी हो चुकी थी और उनकी शादी एक तेलुगु महिला सूर्य द्वारा जारी कर दिया उनके साथ उन्होंने आड्याचारण को फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पढ़ाई के साथ बिग बॉस में तमिल में तीन के एपिसोड द्वारा उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद खुलासा किया कि उनके साथ पहली पत जिन्होंने दूसरी शादी को स्वीकार कर ली थी क्योंकि बच्चा चाहते थे कि सरवन को बच्चन में तमिल फिल्मों में रुचि थी और उन्होंने स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं उन्होंने सलीम के निर्देशन एम शिवाचंद्र चंद्र द्वारा शूट की जा रही थी जो फिल्म के सेट के दौरान किया जाना चाहिए अपनी फिल्मों ने अपने अभिनय करने के साथ अवसर देने का अनुरोध करते हैं और शिवा शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी को लक्ष्मी से परिचित हो गए हैं वहीं पर एक जोड़ी के साथ लक्ष्मी ने बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए उत्सुक थे लेकिन योजनाओं को सफल नहीं हुआ इसके बाद ने चेन्नई चले गए और आड्याचरम फिल्म को इंडस्ट्री ऑफ द अभिनेता कोर्स के लिए कैंपस के साथ रहते हैं और उन्होंने निर्दर्शन राधा भारती ने देखा जिन्होंने अपनी फिल्म को वेदी द्वारा बताया गया और इनके साथ हिंसक बनाने के लिए मौका दिया गया जिसके बाद सरवर ने उन्नीस के दशक में फिल्मों के बारे में भूमिका दी गई थी लेकिन दशक के उत्तरार्ध में उनका करियर को रुक गया अपने करियर के पहले चरण में अंत द्वारा जारी करने और दो हिलालों द्वारा सेथल एथोन्स को बिग बॉस ऑफिस के अच्छे प्रदर्शन द्वारा जारी कर दिया मूवी निर्माता के रूप में उन्हें घाट द्वारा दिया जिसके कारण उन्होंने अभिनय के साथ एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाट को पूरा करने के लिए उनके विदेशी में संगीत कार्यक्रम को आयोजित करते प्रचार धंधा द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई गई आलोचनाओं को प्रशंसा के साथ हासिल किए गए और दिखाए गए जहां पर इन्होंने अपने साथ अमीर तो सुल्तान के साथ पार्थिव द्वारा जारी करते हैं वहीं पर पार्थिव जो पार्थिव पीर द्वारा चर्चित थे और इनके साथ अभिनय के द्वारा उन्होंने हासिल हुआ रेडियोज को आलोचना द्वारा सर्वन को उत्कृष्ट और लंबे घाटों के साथ आयोजित कर दिया जो किसी व्यक्ति की तरह दिखाई गई जबकि एस <SST> एस टी डॉट कॉम की समीक्षा और उनके प्रदर्शन को सोने के दिल वाले स्वच्छ चचा के रूप में शानदार बताया गया सर्वण सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जहां पर विजय के पुरस्कार के लिए उसे श्रेणी को नामांकन भी मिला पार्थिव तुरंत द्वारा सफलताओं के बारे में प्रनोनित और वास्तविक जीवन पर आधारित है जो हिस्सा बनने के अवसर को भी शामिल करते हैं वहीं पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत में तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका को निभाकर जारी रखा जो कभी कभार नकारात्मक भूमिका को देखा गया था फिल्म 23 जून 2019 को विजया के कमल हासन द्वारा होटल पर रियलिटी टेलीविज़न शो के बिग बॉस में तमिल में तीन प्रवेश पर एक टेलीविज़न शो को विवाद अस्पताल टिप्पणी के बाद उनके शो द्वारा बाहर निकाल दिया गया जहां पर अपनी युवा अवस्था के दौरान सार्वजनिक परिहार पर हमला को परेशान करते हैं और बात को स्वीकार करते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर जागृत माधुरी द्वारा देखी गई बताया गया कि माधुरी जो भारतीय अभिनेत्री तथा तमिल भाषा फिल्म के टीवी वी शो में दिखाई देती है वह अक्सर हास्य की भूमिकाओं को जारी करते हैं और राजेश जो उर्वा कला और कनाडी माध्यम से अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं उन्होंने गोलू सभा द्वारा कलात्मक पोथूल और यारू जैसी टीवी को शो में भाग लिया गया और उसे 2019 में बिग बॉस में तीनवें प्रतियोगिताओं के साथ लाया गया वहीं पर पचपनवें दिन से बाहर कर दिया गया था वहीं पर मधुमति ने अपने शुरुआत में विजय टीवी कॉमेडियन शो को भाग लिया जो इनके व्यक्तित्व के बारे में मधुवार द्वारा जारी कर दिया वहीं पर इनकी श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया गया तथा तो इस मूवी के साथ लाए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया गया था तथा तो इस मूवी के साथ लाई गई मधु को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया वहीं पर शैथल्य कुमार है जहाँ पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को आयोजित तथा प्रकाशित कर देते हैं तथा तो इनके साथ जोड़े जाते हैं मूवी बहुत ही बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को जारी और अच्छी रेटिंगों को भारतीय अभिनेत्री तथा तो पसंगा सारवन को मीनाक्षी द्वारा देखा गया सीजर फाई द्वारा उनकी जनन द्वारा बल्थियान पोगल को चलासी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने आई मैक्सल के नायक तारा द्वारा बताया गया जहां पर किरदार की मां को निभाकर उन्होंने बीसवें से अधिक सी छोटी सी भूमिकाओं को निभाया गया था तथा इनके साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं को जारी कर दी वहीं पर कंदन सुकुमार भी है बताया जाता है कि कंदन सुकुमार जो भारतीय अभिनेत्री निर्देशक तामिल के साथ देखे गए हैं तथा तो इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिया वहीं पर दशक तक फिल्मों को हास्य अभिनेता के लिए काम करने के बाद विशेष बालाजी शक्ति वेला को रोमांटिक फिल्म कादार द्वारा जारी किया और के पास आलुहन द्वारा जारी कर दी जो किसान का एक बेटा सुकुमार और तमिल फिल्मों को अभिनय करने के साथ अवसर की तलाश करते पर पर इसके साथ में मैं में आया जहां पर स्क्रीन पर उनकी पहली फिल्म की उपस्थिति थी जहां पर शक्ति द्वारा जारी किए गए थे तथा तो इनके साथ अजय रेटिंग द्वारा बताया भी गया था मूवी इससे भी काफी ज्यादा बेहतरीन रिस्पांस के साथ जारी कर देते हैं तथा तो इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपने साथी को जारी और अच्छे रेटिंगों के साथ लाकर अपने दृश्यों के बारे में देखे गए थे तथा तो इस मूवी के साथ भूमिकाओं को जारी कर दिया मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी तथा तो इनके साथ लाकर अपनी श्रृंखलाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेटिंग गया था तथा इनकी श्रृंखलाओं को जारी कर दिया मूवी अपने दृश्यों के बारे में बताए गए टेलीविजन पहले उद्योग को ध्यान में रखा गया तथा इनके द्वारा का दर भारतीय दूस श्रृंखलाओं को निभाया गया सफलता में भारतीय अभिनेता के नाम से फिल्म शीर्षक लगाने के लिए प्रेरित किया और उसे कमल हास की अभिनेता को विजियाज ड्रामा विडोर द्वारा कॉमेडी द्वारा वसूल कर दी जहां पर एम द्वारा काम करते अर्शु कुमार के साथ नामांकन को अभिनेत्री कार्तिक द्वारा सरियान मोहन द्वारा जारी कर दिया मूवी भूमिकाओं को मौका मिला और लॉन्च इवेंट के बावजूद फिल्म को आगे में विफल रही जहाँ परिणाम स्वरूप इसे बंद कर दिया गया था सुकुमार ने 2012 के अंत में थुआर द्वारा निर्माण के साथ माध्यम को निर्दर्शित किया और अपने करियर की शुरुआत को लेकर बाद में शेड्यूल के बाद फिल्म को रिलीज करने के लिए बंद किया परिणाम स्वरूप उनकी पहली फिल्म रिलीज थी जो इनके साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन के लिए जाना गया सुकुमार ने अगली बार सड़क कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर सम्वेद साधु बोमोन द्वारा बनाई गई जिसमें एथलीट अरुण बालाजी के साथ लीमा को बॉबी की अभिनेताओं की सरकारी के साथ लाई गई और समीक्षाओं को द न्यूज माट एक्सप्रेस द्वारा आलोचकों द्वारा कहा गया और वीडियो फ्रेंसिंग द्वारा जारी कर दिए वहीं पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ लाकर अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी जहाँ पर इन्होंने जोन विजाग द्वारा जारी कर देते हैं जो विजाग को काफ़ी अच्छे से प्रसिद्धि मिली अक्टूबर 2018 में गायन श्रीनाथ सुंदर द्वारा देखी गई जहां पर मोटू के आरोप में तहत विजया को यौन दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया मूवी को 5 जनवरी दो चौबीस को रिलीज कर दिया गया और पार्थिव सरवन के साथ देखे गए बताया जाता है कि पार्थिव सरवन जो जन्म सलेमान परिवार में हुआ इनके सरवन ने बचपन से तामिल में रुचि और स्कूल के दौरान नियमित रूप से प्रदर्शन कला में भाग लेते हैं और उन्होंने सलीम द्वारा निर्देशित व शिव चंद्र द्वारा शूट किया जा रहा है फिल्म के सेट के दौरान किया गया और उनसे अपने परिणाम स्वरूप शिवाचंद्र द्वारा उनकी तत्वकालीन पत्नी और लक्ष्मी से परिचित हो गए, जहां पर यह जोड़ी के साथ उन्होंने लक्ष्मी बेटी ऐश्वर्या के साथ अभिनेता को लॉन्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, लेकिन योजना सफल रहती है और इसके बाद सरवन ने चेन्नई के साथ ओडुगा द्वारा इंडस्ट्री द्वारा जारी कर दी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थार इनके साथ लाए गए थे तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया मूवी उससे भी ज्यादा शानदार थी और इनके साथ लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में देखे गए समीक्षाओं को काफी अच्छे से प्रकाशित कर दिया था और मूवी इससे भी बेहतरीन थी इनके अच्छे प्रदर्शन को देखा गया और निर्माता के रूप में उन्हें घाटों को हुआ जिसके कारण उन्हें अभिनय किया और एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें विदेश संगीत कार्यक्रम द्वारा आयोजित किए थे जहाँ पर दो में सरवन बाला नगान को नकारात्मक भूमिका निभाई गई और आलोचनात्मक की प्रशंसा को हासिल किया उसी समय जो किसी अन्य भूमिका में दिखाई गई और उन्होंने अमीर सुल्तानम की पार्थिव शारविन को कार्ती द्वारा निभाए गए चित्रण को चचा द्वारा बताया गया था वे अपनी वापसी के साथ अपने प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा हासिल कर दिया और आलोचनों को दर्वन को उत्कृष्ट और लंबे ब्रेक को लौटने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ तरह नहीं दिखता है जबकि सेट यूज द्वारा समीक्षाओं के साथ उनके प्रदर्शन को सोने के दिल के साथ अच्छे चचा को शानदार द्वारा बताया और सरवन ने सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता द्वारा फिल्मेयर द्वारा पुरस्कार को सम्मानित किया उनके साथ विजय ने श्रेणी को नामांकन फिल्म को वीर द्वारा देखी गई जो संपादक रूप से अभिनेता को प्रस्ताव को लाया गया जहां पर वेल्टिया बायोपिक ने वेपियान ईरान का हिस्सा बने और अक्सर की शामिल कर दी जहां पर 2000 के दशक में अंत में 2010 की शुरुआत करते हर सरवत द्वारा फिल्मों के साथ सहायक भूमिकाओं द्वारा जारी कर देते हैं वहीं पर कभी कभार नकारात्मक भूमिकाओं के साथ देखे गए और इसे तेईस जून 2019 को स्टार विजिया के साथ कामल द्वारा जारी कर दिया था